मिर्जापुर रमई पट्टी मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि 4.5 वर्ष में योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि सपा सरकार की योजनाओं का सिर्फ फीता काटकर उद्घाटन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम और हमारे कार्यकर्ता जनपद के पट्टी चौराहे पर जाकर भाजपा सरकार के कर्मियों के बारे में लोगों को बताएंगे और इसका पर्दाफाश करेंगे। 24x7 लाइव टीवी के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? 4.5 साल पर इन लोगों ने 4.5 साल में 1 रुपए का कोई काम नहीं किया, जनता को ठगा। ये ठगने वाली पार्टी है और ठगने वालों के साथ रहती है ये सरकार। 4.5 साल मिर्जापुर को ले लीजिए, मिर्जापुर में रे भी कोई नई सड़क बनी बता दीजिए। विकास किए हैं, भ्रष्टाचार विकास किए हैं, डकैती चोरी विकास किए हैं, बलात्कार में विकास किए हैं। सुन लीजिए और सुन लीजिए मेरी बात। आज अस्पताल में कोई सीधा आदमी चला जाए, उसको दवाने उसको रिफर किया जाता है, एक पर्चा थिमा दिया जाएगा, जाए बाहर दवा ले आइए। ये सरकार किसी काम की नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ, आज 1 महीने से SDM नहीं है। अब ये तय नहीं कर पा रहे किसकी नियुक्ति करें किसकी न करें। इनका भाई उनसे सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। किसान परेशान है, सारे लोग लड़के परेशान है, किसी को जात बनवाना है, किसी को कुछ बनवाना है, कुछ कुछ बनवाना है, कोई आदमी वहाँ है नहीं। चाहे तो किसी को भी बना सकते हैं। आए मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि 4 साल में इनके नाकामियों को बताने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सरकार बिल्कुल ठगने वाली सरकार, नौजवानों को ठगा, कहा कि आपको नौकरी देंगे, देते देते 4 किलो राशन बना के खड़ा कर दिया, किसानों के साथ अत्याचार, कहा किसानों का आय दुना करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो 4.5 साल पे जश्न मना रही है, वो अपने हाथ से अपने पीठ को थपथपा रही है, अपने हाथ से अपने पीठ थपथपा रही है।